नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कोरोना की रफ्तार में कमी आने के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अब तक के सबसे बड़ी बाधा को पार कर लिया है। अगर आपको याद हो तो कोरोना की दूसरी लहर से पहले आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव में सारा मामला ईवीएम को लेकर फंसा था। ईवीएम ही कारण था जिसकी वजह से चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हो पाया। उसके बाद कोरोना के मामलों ने आग में घी डालने का काम किया और चुनाव स्थगित हो गया। हालांकि अब दूसरी लहर के बाद कोरोना के मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद लोग यह उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव का आयोजन समय पर करवा लिया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से अटका ईवीएम का मामला अब सुलझ गया है और मिशन ईवीएम पूरा हो गया है, जिसके तहत ही दूसरे राज्यों से ईवीएम की खेप बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचा दी गई है, जिसकी पुष्टि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने की है। योगेंद्र राम की माने तो सभी जिलों में ईवीएम पहुंच चुके हैं, जिन जिलों में नहीं पहुंची है वहां भी जल्द ही पहुंचा दी जाएगी। हालांकि यह पहला मौका होने वाला है जब किसी पंचायत चुनाव में बिहार में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम के माध्यम से चार पदों यानी कि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए वोटिंग होने वाली है। हालांकि पंच और सरपंच पद के लिए वोटिंग बैलेट पेपर के जरिए होगी। इसको लेकर ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर 2,09,000 ईवीएम का इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि की है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम बुधवार को केरल से पटना लाई गई। लगभग 11,000 ईवीएम पटना जिले में चुनाव के लिए आई है। 11 कंटेनर से केरल के तिरुवनंतपुरम से ईवीएम मंगवाई गई। ईवीएम को बाढ़, पालीगंज और नौबतपुर स्थित गोदाम में रखा जा रहा है। सिर्फ शेखपुरा ऐसा जिला है जहां पर ईवीएम लेने में तमिलनाडु में थोड़ी परेशानी हुई। ईवीएम को दूसरे राज्य में भेजने के पहले तमिलनाडु सरकार ने ईएमएस जांच की आवश्यकता जताई थी। हालांकि इसको लेकर थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन वहां से भी ईवीएम लेने का काम सफल रहा। गोदाम में रखने के बाद ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग इंजीनियरों द्वारा की जाएगी। ईवीएम पहुंचने के साथ ही चुनाव की प्रशासनिक तैयारी भी शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव से पहले ईवीएम की पुनः जांच करवाई जाएगी। जांच के बाद ही पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव का आयोजन समय पर हो जाएगा। लेकिन अभी भी तमाम तैयारियों के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कोरोना और बाढ़ दो बड़ी परेशानी मौजूद है। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो कोरोना के मामलों ने अगर रफ्तार नहीं दिखाई तो चुनाव का आयोजन सितंबर अक्टूबर में संपन्न करवा लिए जाएंगे। हालांकि वैज्ञानिकों ने अगले महीने ही तीसरी लहर की चेतावनी जारी की है। ऐसे में पंचायत चुनाव के आयोजन को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। ऐसे में चुनाव को समय पर संपन्न करवाना राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बेशक एक बड़ी चुनौती होने वाली है, जिसके बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग समय पर पंचायत चुनाव का आयोजन करवाने में सफल हो पाती है या नहीं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।